नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आज में हम बताने वाले हैं आपको एबीसी कार्ड क्या है। एबीसी कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और एबीसीडी कार्ड बना के भी दिखाएंगे, जो कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए अनिवार्य है। परीक्षा फॉर्म भरने या कोई भी उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज मैं एक परीक्षा फॉर्म भर रहा था दोस्तों, एमसीबी महाराज छत्रसाल यूनिवर्सिटी का। तो इसमें सबसे पहले मांग रहा है एबीसी आईडी क्या है, इसकी प्रोसेस बताऊंगा। एबीसी आईडी कार्ड बना के भी आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आपको सर्च करना है hetup.www.digilocker.gov.in, वीडियो के माध्यम से भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं जाके सर्च करता हूँ, सर्च किया और डिजी लॉकर। इसके बाद जैसे मैंने वहाँ पे अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर डाला तो इस प्रकार से आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको सर्च डॉक्यूमेंट पे जाना है, इधर सर्च करना है एबीसी आईडी कार्ड। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, इधर पे आपको आइडेंटिटी कार्ड में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी चुन लेना है। इसके बाद यहाँ पे नंबर डाल देना है, जैसे एनरोलमेंट चुना मैं तो एनरोलमेंट नंबर डाल दूँगा। इसके बाद एकेडमिक ईयर यहाँ पे डाल देना है, जो जिस साल आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था। और यहाँ पे अपने महाविद्यालय का नाम सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा नाम महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर। सर्च करने के बाद गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। और गेट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने इस प्रकार से एबीसी कार्ड बनकर आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी।